वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे जो कि इस वक्त आ रही है हॉलीवुड एक्टर की तरफ से। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स को कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए। जी हां, खबर के मुताबिक उनको नजला जुखाम और कुछ बदन दर्द जैसी तकलीफें थी। इस वजह से उन्होंने जब अपना टेस्ट करवाया तो उनका कोरोना वायरस पे पॉजिटिव आया। और सिर्फ उनका ही नहीं, उनके साथ उनकी बीवी भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स से डिटेक्ट की गई है। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। बिना हाथ को धोए अपनी आंखों को, नाक को और मुंह को ना छुएं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ऑफिस या घर जाने से पहले या घर जाने के बाद, पहुंचने के बाद आप अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से धोएं। उसके बाद आप बाकी के काम करें। आगे खबर में बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। जी हाँ, हैदराबाद में रहने वाले कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में एनआरसी और डिटेंशन कैंप्स को लेके इस वक्त काफी डर सता रहा है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक हैदराबाद में रहने वाले कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने आप को भारत से अलग करने के बारे में सोच लिया है। जी हाँ, बाहर मुल्क में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से उन्होंने कॉन्टेक्ट करके भारत छोड़ने की इच्छा जाहिर करी है। वहीं कुछ लोगों ने फैसला भी कर लिया है कि उनको इंडिया छोड़ देना है ताकि वो एनआरसी और डिटेंशन कैंप्स जैसी चीजों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके। हैदराबाद में रहने वाले लोगों का ये डर भी जायज है क्योंकि किसी ने गुजरात के बारे में अब तक कोई बात नहीं करी। जी हाँ, गुजरात से अभी तक एनआरसी और सीएए को लेकर के कोई भी बयान या कोई भी प्रोटेस्ट की खबर अब तक न्यूज में नहीं आई है। जी हाँ, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि वहां के मुसलमान पहले से ही सेकेंड क्लास सिटीजन बन चुके हैं। टेलीग्राफ मीडिया के मुताबिक उन्होंने वहां जाकर के एक मुसलमान कम्युनिटी में कुछ मुसलमानों से बयान लेने की कोशिश करी है कि आपको एनआरसी और सीएए पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने बताया कि हम पहले से ही सेकंड क्लास सिटीजन बन चुके हैं तो एनआरसी से हमारा क्या लेना देना। उन्होंने अपने हालात को बताने की कोशिश करी कि कैसे सेकंड क्लास सिटीजन के साथ वहां सलूक किया जाता है। अपने बयान में कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमारे घर की लाइट्स चली जाती हैं, पानी नहीं मिलता है और हम कहीं भी घर या दुकान नहीं खरीद सकते। हमें घर और दुकान खरीदने के लिए वहां हिंदू होना होगा और अगर हम हिंदू नहीं हैं तो हम घर और मकान सिर्फ मुसलमान के इलाकों में छोटी मोटी दुकानें लेकर के वहीं कारोबार कर सकते हैं, हमें बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। तो धर्म के नाम पर गुजरात का इस वक्त जो हाल है वो पूरी दुनिया से छुपाया हुआ है और इस बारे में मीडिया कोई बात नहीं करता। कुछ लोगों की इंडिया को छोड़ने की और भी वजहें हो सकती हैं, सिर्फ एनआरसी ही नहीं है, सिर्फ डिटेंशन कैंप्स ही नहीं है। आगे जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो भी एक वजह बन सकती है आप लोगों की, कि आप भी हो सकता है इस वीडियो को देख करके इंडिया छोड़ने पे मजबूर हो जाए। कुछ लोगों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई नए तरीके अपनाए हैं, रास्तों पे निकल करके कोरोना वायरस के विरोध में रैली और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जहां पर कुछ लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है कोरोना वायरस से लड़ने का, कोरोना वायरस को मुल्क से भगाने का, दिखाते हैं आपको इस वीडियो की रिपोर्ट में। इन रैलियों की वजह से कोरोना वायरस भले ही जाए नहीं लेकिन आने के चांसेस बढ़ जरूर जाते हैं। खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।